गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी जस्ट उठा हूँ, वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अभी फिलहाल हमने दूध पी लिया है, तो पूनम ने अभी तक दूध नहीं पिया क्योंकि ये फोन देखते रहे कुछ भी काम नहीं हो सकता फोन देखते देखते। तो अभी फिलहाल बिस्तर भी लेने हैं, तो पूनम जल्दी बिस्तर लो, मैं तो नीचे जाता हूँ गाय भैंस के गोबर भरने हैं। भाई यही है हमारी लाइफ, गोबर भरो, डालो खेत में घूमो, बस खेत का काम बस यही। तो अभी चलते हैं नीचे, तो फिर चलेंगे खेत में। तो गाइस अभी इसको देखो भाई, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, फुल आराम से सोया, बस कुछ लेना है देना है, रोटी खा लेता है बस। तो गाइस अभी फिलहाल घड़ी बज रही है 7:15 बज चुके हैं। तो गाइस अब देखे पूरा काम हो चुका है, बाहर तो काफी ज्यादा बादल आ चुके हैं। अभी मैं बताता हूँ, जो कि बारिश पता नहीं हो सकती है, इस बार मैं नहीं बोलूंगा होगी जरूरी, हो सकती है नहीं भी हो सकती है, पता नहीं, पहले मैंने बोला था पर हुई नहीं, तो कोई बात नहीं। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर घर पे बैठा हूँ, और फिलहाल पूनम यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही है, मतलब अपने गाने लिख रही है, तो ऐसे ऐसी इसकी पढ़ाई है। तो फिलहाल ये तो बैठी हुई है, और मैंने एक वीडियो देखा अभी, लोग कहते हैं भाई डेली व्लॉगिंग काफ़ी मुश्किल है, सौरभ जोशी का काफ़ी मुश्किल है, वो किशोर बॉन्ड की वीडियो में देखा था। तो गाइस मैंने कहा कि मैंने भी एक कमेंट किया कि भाई इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है डेली व्लॉगिंग, जिसको हार्ड लगता है उसके लिए हार्ड ही रहता है, और जो भी इजी समझ के काम करता है उसके लिए हर काम इजी होता है। इसमें क्या है, थोड़ा डेली व्लॉग मतलब सुबह से शाम तक फोन साथ में रखना है, जो भी अच्छा दिखे वहाँ पर वीडियो बनाना है, अपना अपना पूरा इंट्रो बाकी सब कुछ दे देना है, और शाम को एडिटिंग करनी है बढ़िया सी, और सुबह अपलोड कर देना, यही है डेली व्लॉगिंग का। तो इसमें कोई हार्ड तो काम नहीं इतना, अगर जिसको भी हार्ड लगे उसको लिए हार्ड ही लगेगा। मैं भी बताता हूँ, मेरे को इजी इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक मैंने 100 वीडियो बना दिए, डेली टू डेली 100 डेज एंड 100 वीडियो, इसलिए मुझे अब थोड़ा सिंपल लग रहा है। बाकी फर्स्ट में शुरू के 10 वीडियो बनाए थे, उसमें मेरी पूरी हालत खराब हो गई, मैंने सोचा भाई सुबह से शाम तक फोन हाथ में लेके घूमना पड़ता है, और शाम को वापस एडिटिंग करनी है, भाई पूरा दिन तो इसमें निकल जाता है, तो कहाँ से हार्ड नहीं है भाई। उस समय मुझे भी काफी खतरनाक हार्ड लगा, शुरू की 50 वीडियो हुई तब जाके थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक लगा, अब 100 वीडियो है अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी व्लॉगिंग में। पहले भाई बिल्कुल बोल ही नहीं सकता था, पहले वाले मेरे वीडियो देखना भले बिल्कुल बोल नहीं सकता था, अब जाके थोड़ा आवाज निकल रही है, बोल सकते हैं अब तो। तो अभी फिलहाल ये आज तो चूरमा लाए हैं, तो एक बार ये खाता हूँ फिर टेस्ट करता हूँ कैसा। तो गाइस अभी समय की 9 बजे और भाई अब बाहर आ चुका हूँ, अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही क्योंकि देखो चारों भाई वापस बादलों का मंडराना शुरू हो चुका है, एक बादल ही बादल वापस आ चुके हैं। तो अभी फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ी गर्मी लग रही है, अरे यार। तो गाइस अभी फिलहाल बाहर आया हूँ, तो अभी पूनम यहाँ पर रोटी बना रही है, पूनम रोटी जला रही है तू यार, वो देख रोटी जला दी यार। तो वैसे खाने में भिंडी की सब्जी है और रोटी है, पर मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, जो कि घड़ी बजी है 11:30, क्योंकि आज तो भूख तो लग रही पर खाने की मर्जी नहीं हो रही, क्या हुआ। तो गाइस अब फिलहाल मैं तो नहा के आ चुका हूँ, क्योंकि पूरा पसीना पसीना गया, पानी टपक रहा है अभी। तो अभी घड़ी 12 बजी है, तो अभी फिलहाल पूनम तो यहाँ पर टीवी देखते रहते है, अब और रोटी खा रही है, तो कोई बात नहीं, अब मैं खाऊंगा फर्स्ट बार जो कि 12 बजे। भाई ऐसा कोई होगा जो 12 बजे खाना खा रहा हूँ, ऐसे गंज है वैसे भी, टुवाल तो ना डाल दिया है तो कच्चा ही इधर रहा। तो कैसे अभी बज रही है 1:00 बज चुकी है, जो कि अब फिलहाल एक चीज बताता हूँ, क्योंकि भाई ये देखो भाई आसो लगता है बारिश होगी, नक्की मुझे लगता है होगी, क्योंकि उस उत्तर दिशा में तो अभी हो रही है बारिश, तो फिलहाल चारों तरफ काले काले बादल, इस तरफ तो अभी थोड़े थोड़े कम है, पर इस तरफ भाई घोर अंधेरा, पूरा काले पूरा फुल काले बादल है भाई साहब, लगता है आज बारिश होने के समान है, क्योंकि थोड़ी बहुत सुगंध भी आती है ना बारिश के हवा, बारिश का पानी हवा के साथ मिलकर आते हैं, तो थोड़ी बहुत सुगंध आती है इसकी जैसी, तो लगता है हो सकती है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं बाहर आया हूँ, और अभी हवा शुरू हो चुकी है, जो कि अभी मेरे फोन आया मैं दीदी का, जो कि 3 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर काम करते हैं थोड़े आगे, जो कि वहाँ पर कह रहे थे बारिश आ चुकी है लमसम 5-6 किलोमीटर दूर, तो 6 किलोमीटर और कवर करना एरिया बारिश को, बस बादल को,
तो फिर बारिश शुरू हो जाएगी हमारे भी। तो फिलहाल हवा तो चल चुकी है ठंडी ठंडी हवा, जो कि दिन के 2 बजे, बाकी इस समय कल तो लू चल रही थी, जबरदस्त लू चल रही थी, पूरी गर्म गर्म हवा लागे लगती थी शरीर के, और आज तो पूरी ठंडी हवा एकदम, देखो पूरा मस्त आज तो भाई। भाई बादल ही क्या हो रहे, पूरे काले काले, फुल काले काले बादल भाई, पानी लेके घूम रहे फुल फुल। तो अभी बारिश होगी, आज तो वीडियो बनाना नक्की है, आज तो बारिश होगी तो नक्की वीडियो यही बनाऊंगा मैं, थंबनेल भी मुझे लगता है आज मुझे यही डालूंगा। तो गाइस और फिलहाल आज का थंबनेल तो मैंने अभी रेडी कर दिया, क्योंकि मौसम काफी अच्छा था, तो आज का थंबनेल देख के बताना कैसा बना है, क्योंकि टाइम तो लगा पर बना दिया अभी तो अभी जो कि यहाँ पर बनाया था हमने आपको पता चल। तो गाइस अब फिलहाल मैं तो आ चुका हूँ खेत की तरफ, जो कि किस तरफ से हवा आ रही है, और हम आ चुके हैं खेत में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत काम है। तो मम्मी फिलहाल भी रिलीफ से आ चुकी है अभी। तो गाइस देखो भाई क्या बादल हो रहे हैं यार, आज तो खतरनाक बारिश होगी मुझे लगता है भाई। हवा भी इतनी तेज चल रही है, एकदम फुल हवा का झोंका आ रहा है जोरदार। तो अभी गए दोपहर की 2 बजे, अभी हम आए खेत में के लिए, जो कि भाई सांस फूल के दौड़ के आए, और फिलहाल खजूर खाते हैं यहाँ पर। तो गए अब फिलहाल मम्मी ने बहुत सारे खजूर पाड़ दिए, जो कि ऊपर से ये है हेलड़ी, हेलड़ी कहने हिंदी में कही के हेलड़ी बोलते हैं, यंत्र खजूर पाड़ने का यंत्र साधन। अच्छा तो भाई उससे बहुत सारे खजूर पाड़ दिए बहुत सारे, तो अभी हम भी लेते हैं। पुनः बारिश स्टार्ट होगी, देखिए छाटा छाटा है रहा बारिश रहा, होगी स्टार्ट होगी। तो गाइस फाइनली बरसात शुरू हो चुकी है भाई, बारिश में मजे ले रहे हैं, आगे जो एक एक दो बच्चे खड़े हैं बारिश में मजे ले रहे भाई। भाई इसमें दिखाई दे रहे होंगे नहीं, कैमरा बहुत बारीक बारीक आ रहे छाटा, तो भाई मुँह के भाई बहुत सारे लग रहे भाई। अरे वो घर पे चलता हूँ, फोन चार्जर लगाता हूँ, क्योंकि बारिश ज्यादा आएगी तो लाइट भी जा सकती है, इसीलिए गाइस मैंने सोचा था वही हुआ, मैंने कहा था कि लाइट चली जाएगी घर आते आते, न लाइट चली ही गई, तो अब क्या करें पूनम। और यहाँ फोन चार्जर भी लगाना, पर वैसे 75% बैटरी है, पूरा एक दिन चल जाती है, कोई बात नहीं अभी तो। अभी हाँ देखो अब बड़े बड़े छाटे आ गए, ये देखो काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये बारिश के बड़े बड़े छाटे आ चुके हैं, बीस वाले बादल से आ रहे हैं। तो अभी फोन रख देता हूँ, क्योंकि बिजली पड़ने की काफी ज्यादा संभावना है। अब फिलहाल मैं तो बाहर आया हूँ, और भाई बारिश आके भी खत्म भी हो गई भाई इतनी जल्दी, ये देखो इस तरह पूरा गीला हो चुका है, इस तरफ भी इस तरफ भी, अभी थोड़ा थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो चुका है सारे सारे तरफ की, थोड़ी बहुत हुई बारिश, ज्यादा तो कुछ नहीं हुई बस, खाली सिर्फ ये देखो थोड़ी थोड़ी जगह तो सूखा भी है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बारिश हुई। तो भाई अभी 3:30 बज चुकी है, और अभी पूरी बारिश खत्म हो चुकी है, आसमान भी पूरा साफ हो चुका है। तो फिलहाल देखो आज कुछ इतना कुछ गीला हुआ, अभी भाई पानी थोड़ी थोड़ी आ रही, बिल्कुल बारीक बारीक बारिश आ रही है अभी तो। तो फिलहाल वो देखो भैंस के वो पत्तले है सभी वो ऊपर डालती है, क्योंकि भैंस भीग रही थी, बारिश आई आज इसीलिए। और फिलहाल ये अरे धीरे धीरे। तो गाइस अभी बाहर खड़ा हूँ, तो अभी फाइनली आज पूनम का रिजल्ट आ चुका है, जो कि पूनम का रिजल्ट मैं बताता हूँ, बेइज्जती ना हो इसलिए। तो पूनम फर्स्ट डिवीजन आए 10th क्लास में, जो कि 70% बने, 70 मतलब 70% बने उसके फिक्स, तो कोई बात नहीं अच्छा है। वैसे भी मेरा रिजल्ट जब मैं बहुत थोड़ा बहुत ऊंचा आदमी बनूंगा तब बताऊंगा, अभी तभी नहीं बताऊंगा। तो गाइस मेरा रिजल्ट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा 10th का रिजल्ट काफी एक्सपेंसिव है, ऐसा बहुत कम लोगों का होता है। तो फिलहाल पूनम का रिजल्ट तो आ चुका है, जो कि 70% बने, और मेरा 12th का रिजल्ट बता देता हूँ, जिसमें मेरे 80% बने, जो कि कोरोना में बने, 80% मेरी मेहनत नहीं है, कोरोना में बने। तो फिलहाल पूनम लाइक है 70%। वैसे इसके स्कूल का एक टॉपर है जिसका नाम लूंगा अगर वो वीडियो देखे तो, जो कि शिव सिंह है, उसके 92% बने, जो कि इसके स्कूल का टॉपर है। उदास नहीं होना,
भाई देखो इसको रिजल्ट आया 70% मिले तो भी उदास हो रही है यार। मेरे परसेंटेज बता देता हूँ, बताऊ नहीं बताऊ? अरे रहने दो यार, मेरे बहुत खतरनाक परसेंटेज है यार। मान लो मिनिमम मेरे बहुत पूनम से भी काफी कम आए, पूनम के जितने नहीं आ सकते, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं है। वैसे मैं आया था सेकंड डिवीजन, अब सेकंड डिवीजन में आप देख सकते हैं कितने क्या परसेंट है। हाँ ये ठीक रहेगा, मैंने सेकंड डिवीजन बनाया दसवीं में। बारिश मस्त है, भिज गया पूरा। तो आज मौसम इतना मस्त हो चुका है, पूरा फ्रेश फ्रेश मौसम हो चुका है। जगह अभी दिखाता हूँ भाई, देखो चारों ओर हरियाली भाई। इतना मैं कैमरे में सेटिंग करूँ तब भी नहीं आती इतनी तगड़ी हरियाली, क्योंकि चारों तरफ हरियाली। ये रहा गीला टोनी, मैंने इसको बोला था चल नीचे बैठ जा बैठ जा, मैं पहले बैठा था नीचे छाया में, पर ये तो मस्त मार ना रहा था बारिश में। तो अभी फिलहाल इस तरफ तो आज सूर्यास्त तो देखा ही नहीं, सूर्यास्त तो वो देखो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल अंधेरा थोड़ा बहुत कम हो चुका है, तो अभी चलते हैं घर के अंदर। तो गाइस अब फिलहाल मैंने आज जल्दी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर दी, क्योंकि आज क्या होगा वैसे, हाँ मैंने ऐसे ही वीडियो एडिटिंग जल्दी कंप्लीट कर दी। तो गाइस आज थोड़ा फनी वे में वीडियो बनाया, तो आई होप गाइस आज का व्लॉग सभी को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।